इसको पत्थर से घिसते हैं क्या? रघुपति राघव जो राम जन्मभूमि में मंदिर बन चुका है, कैसा लग रहा है दोस्तों? यहाँ से देखिए स्टार्ट हो चुका है मंदिर प्रांग, किस तरीके से बनाया गया है स्कैनिंग एरिया को, इस तरीके का बनेगा मंदिर। सीता रसोई में खाने पीने का सारा शेड्यूल, यहाँ से बस सर्विसेज मैंने आपको बताया था कि अवेलेबल है अयोध्या धाम के लिए, जिसका टिकट घर के अंदर के कमरों के फर्श बाहर आ गए सड़क में। ब्लॉग में देख लो लखनऊ एनआर जंक्शन कौन सा और एनी कौन सा है, अयोध्या का किराया कितना है। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी हमारी ट्रेन है अयोध्या के लिए लखनऊ से, तो चलिए चलते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में। चलो भाई ट्रेन आ गई, टाइम हो गया, चलो चलो गाइस। काफी ज्यादा पौधा लगा हुआ है बाहर, ये देखिए अरे लखनऊ की कुछ लखनवी अंदाज वाली गलियों से हम लोग निकल के जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन की तरफ। भाई ने पूरी वाट लगा दी, लास्ट मिनट में ऐसी हरकतें करता है। और ये ट्रेन हम पकड़ पाएंगे या नहीं जानने के लिए आगे देखते रहो। हम लोग पहुंच चुके हैं 4 बाग लखनऊ रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरीके से सजा हुआ है बट अभी कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सजा हुआ है लखनऊ जंक्शन भी राम जी के आने की वजह से, चारों तरफ दिवाली अभी मनाई जा रही है, पूरे इस हफ्ते दिवाली चलती है। दोस्तों लखनऊ की बड़ी एक अजीब सी कहानी है, अलग सा ही यहाँ का स्टेशन है। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन साथ साथ में, मतलब 2 अलग अलग तरीके की लाइन्स आ रही है अलग अलग दीवार से। तो अभी ये वाला स्टेशन अलग है और जो सामने में दिख रहा है ना रेड कलर वाला जो दिखा रहा था वो अलग है। इस वाले से हम लोग ट्रेन से आए थे जो कि काठगोदाम से आई थी, अब इस वाले से हम जाएंगे जो कि अयोध्या की तरफ जाएगी। लखनऊ NR और NE क्या है, तो है सेम जगह पे। अगर आप लोग भी आते हैं कि लखनऊ NR आप ढूंढते रहेंगे किधर है NE किधर है, तो आप लोग इस ब्लॉग में देख लो लखनऊ NR जंक्शन कौन सा है और NE कौन सा है। दोस्तों ट्रेन आ चुकी है 34-36 जरिए, जिसे 34 और 36। आपको कौन सा है भैया? हम लोग स्टाफ। अच्छा स्टाफ हो, पूरा 1.5 घंटा लेट हो गई है। तो अभी 4:53 पे पहुंची है, 4 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे थे इसका। तो अब चलते हैं यहाँ से, चलाओ ट्रेन चलाओ। ठंड भी लग रही है बहुत, पैरों में ज़्यादा लग रही है हवा आ रही है हल्की हल्की, वैसे तो ठंडा नहीं है अभी। बाहर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, कोहरा बहुत लगा हुआ है। दोस्तों अभी पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन सोहावल और बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है। कैमरे में तो थोड़ा पास पास का दिख रहा है बट काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। हर जल्दी नीचे आ, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट। सिक्योरिटी बहुत टाइट है बाहर। चलो बॉयज। तो दोस्तों पता लग रहा है आपको, पहुंच चुके हैं अयोध्या। दोस्तों मैं हूँ अभी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ कि हर ट्रेन के आते ही यहाँ पे जय श्री राम के नारों से गूंज पड़ता है पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन। फिलहाल हम चलते हैं आगे अयोध्या धाम की तरफ, क्योंकि ठीक यहाँ से एक बस आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वाली जो कि बाहर खड़ी रहती है सीधे अयोध्या धाम के लिए। दोस्तों अभी मैं बाहर निकल चुका हूँ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से और कुछ तरीके नजारा है, इतनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि आपको अयोध्या लेकर के जाएंगी यहाँ से। अयोध्या का किराया कितना है? अयोध्या किराया भैया 30 रुपये है। 30 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी? हल्की हो या भारी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इससे पहले कितनी भीड़ रहती थी? इससे पहले भी भीड़ रहती थी 2,500-3,000। और जब से अयोध्या धाम खुला है तब से क्या नजारा है? अरे बहुत बढ़िया नजारा है भैया, बहुत भीड़ है, बहुत खुश है पब्लिक। पब्लिक खुश है? बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद। चलते आगे, मेरे साथी बिछड़ गए, खो गए, नहीं उनको पकड़ता हूँ। दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली जो बस चल रही है यहाँ से, बस सर्विसेज मैंने आपको बताया था कि अवेलेबल है अयोध्या धाम के लिए, जिसका टिकट है 30 रुपीज ओनली। तो हम तो चले अयोध्या धाम, आप भी आ जाओ। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बस से उतर करके हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम। फाइनली दोस्तों हमारा सपना सच होने जा रहा है, आज हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम।
और आज हम दर्शन भी कर लेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों अभी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, ये भैया हमको लेकर के आ गए। यहाँ पे एक होटल है तो अभी किराए में हमारी जो है बात बैठ नहीं पा रही। यहाँ पे देखते हैं फाइनली हमें कितने में रहने के लिए स्टे मिलता है, क्योंकि हमें 3 से 4 दिन यहाँ पे रुकना है। तो दोस्तों मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हमने रूम ले लिया। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक डबल बेड है जिसमें हम 3 लोग आसानी से सो सकते हैं। ये रहा हमारा बाथरूम, गीजर भी अवेलेबल है हमें, और इसका किराया हमको भी पड़ रहा है 2000 रुपये। तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। बाकी होटल का नाम क्या है, कहाँ पर है, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। दोस्तों अभी रूम लेने के बाद बाहर आ गया हूँ मैं होटल के, और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि अयोध्या में काफी यार घरों को भी तोड़ा गया है लोगों के। ये देखिए लोगों के घर के अंदर के कमरों के फर्श बाहर आ गए हैं सड़क में। बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, अभी बहुत सारे होटल्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। और वैसे जो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा किराया है ये है, तो अभी तो नॉर्मल किराए में आपको रूम वगैरह मिल जा रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को रोकिए मत, आ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं कार सेवकपुरम। दोस्तों घूमते हुए मैं पहुंच चुका हूँ सीता रसोई में, जहाँ पे कि खाने पीने की व्यवस्था है अभी मां अन्नपूर्णा रसोई द्वारा। सीता रसोई में खाने पीने का सारा शेड्यूल यहाँ पे लिखा है, पॉज करके देख सकते हैं इसको। अभी एक कार सेवक से मेरी मुलाकात हुई जो कि उस समय आंदोलन में थे जब ये आंदोलन हुआ था, राम मंदिर को बनाने की मुहिम चली थी, बहुत सारे यहाँ पे गोलीकांड हुए थे, हत्याकांड हुए थे, उन सबको अपनी आंखों से देखे, उनके प्रत्यक्ष दर्शी हैं, उनसे आपको मिलाऊंगा बाद में। फिलहाल यहाँ पे चल रहा है भंडारा जो कि लगातार चलते रहेगा। दोस्तों जितने सारे भी दिए दिख रहे हैं यहाँ पूरे इतने सारे, ये सब राम मंदिर में लगेंगे। अभी इनको लगाया नहीं गया, धीरे धीरे बनते जाएगा आगे, और ऐसी बहुत सी सामग्री यहाँ पड़ी हुई है। यहीं पे कार सेवकपुरम में बना हुआ है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रारूप मॉडल, जिसके दर्शन आप सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कर सकते हैं। इस तरीके का बनेगा मंदिर। दोस्तों एक चौराहे पे आके फंस गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि मेरा जो रूम हमने लिया है वो किस तरफ है। और इस तरफ देखिए यहाँ है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कार्यशाला, जहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ से सारा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ के हाथ देख रहे हो, सब उन्हीं के हाथ में। हम अपने यहाँ के हम बता सकते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, हम उत्तराखंड से। अच्छा उत्तराखंड चल भी रहा है क्या? हाँ चल रहा है। हम तो वर्कर से आईटी ऑफिसर निकले। जो राम जन्मभूमि मंदिर बन चुका है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत दिव्य लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है अंदर आत्मा से। तो अयोध्या के लोग कैसे हैं, खुश हैं? पूछ लीजिए जिनसे, हम तो खुश से देख रहे हैं और सब खुश है, सब खुश है, सब सुख है, तुम सुखी। अगर आप सुखी है ना तो हम भी सुखी, आपको कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं, हमें तो नहीं है ना। देखिए अब मैं पहुँच चुका हूँ ये राम मंदिर में, जो पिलर लग रहे हैं ये वही पिलर हैं। दोस्तों ये पिलर्स काफी टाइम से यहाँ पे रखे हुए थे, तो इस वजह से इनमें काला बना चुका है। इन पिलर्स की यहाँ पे सफाई चल रही है, एक पत्थर की मदद से इनको घिसा जा रहा है, तो वो पत्थर इनको एकदम चमका के घिस घिस के एकदम नया किया जा रहा है, उसके बाद ही जा रहे हैं मंदिर निर्माण में। दोस्तों पैदल वॉक करते करते मैं तपसी जी की छावनी के पास से भी गुजर रहा हूँ, और यहाँ भी काफी सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। जय श्री राम। इधर जो पुरानी अयोध्या की झलक मुझे साफ दिखाई दे रही है, सामने बनी हुई सारी बिल्डिंग्स सब पुराने स्टाइल में बनी हुई है, जो भी कुछ आपको निर्माण दिख रहा है वो बहुत पुराने पुराने यहाँ पर मकान मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये जितने भी मकान हैं सब पुराने टाइम से बने हुए हैं। दोस्तों घूमते घूमते मैं पहुँच चुका हूँ अयोध्या धाम चौक, जहाँ से कि रामलला की जन्मभूमि में पहुँच जाते हैं। जो सड़क है जहाँ से मैं आया डिगम्बर अखाड़ा की तरफ से, और ये हनुमान जी का भव्य मंदिर है यहाँ पर, और इसी से आगे जाके हम इधर की तरफ जाएंगे तो नया घाट है। अब दोस्तों घूमते घूमते हमारा दोस्त हमको मिल चुका है फिलहाल, और यहाँ पे जितने भी बहुत सारे जितने न्यूज चैनल है सब दिखाई दे रहे हैं, तो एक न्यूज चैनल है हमारा भी इंटरव्यू लिया है अभी न्यूज नेशन ने, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर रहा है न्यूज नेशन का चैनल। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के पास, जहाँ से आप ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, वो एरिया है जहाँ से हम मंदिर की तरफ जाएंगे और यहाँ से आपको दर्शन कराएंगे। अभी फिलहाल काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे दर्शन के लिए, यहाँ पे बोर्ड भी लगाया देखिए हनुमानगढ़ी का, और साथ ही साथ लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल क्षेत्र।
तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो चुका है मंदिर प्रांगण के लिए जो भी यहाँ पे भव्य निर्माण कार्य हुआ है। जय श्री राम दोस्तों। जैसे आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपका सामान सारा यहाँ पे स्कैन होगा। तो ये स्कैनिंग एरिया है, अब हम बढ़ रहे हैं स्कैनिंग एरिया की आगे तरफ। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया है स्कैनिंग एरिया को। तो अभी तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं अभी एक बार दर्शन करके आ जाएंगे। तो ये जो भी चीज़ें आ रही हैं सब यहाँ पे जमा हो रही हैं, हमारे पास तो कुछ सामान ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों मंदिर के गेट से एंट्री होने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे जहाँ की जूता चप्पल वाला काउंटर पीछे लगा हुआ है ठीक मेरे, लेकिन लोग यहीं पर उतार के अपने जूते चप्पल यहीं छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से कौन जूते चप्पल ले जाएगा। दोस्तों पहुँच चुके हैं राम मंदिर ठीक मेरे पीछे। जय श्री राम। वैसे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं पता नहीं कैसे ले आया, मुझे खुद भी पता नहीं है। सीटियाँ पड़ रही है बार बार इधर, कभी भी छीन सकता है मोबाइल भी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके भी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर से, और वहां से हमें प्रसाद भी मिला है। और मोबाइल और कुछ भी ले आना अंदर अलाउड है नहीं, तो कुछ अंदर आपको शूट करके दिखा नहीं सकते। मंदिर में बाल स्वरूप राम जी की जो मूर्ति है उसके दर्शन करके साथ साथ भगवान के दर्शन हो गए, ऐसा लगा कि उसमें जीवन है, वो बोल उठी मुझसे और बहुत ही मन भावुक उठा। दोस्तों यहाँ पे ठीक मेरे पीछे बना हुआ है लॉकर रूम, क्लॉक रूम, जहाँ पे आप अपना सामान इत्यादि रख सकते हैं। तो लोगों ने रखा है, उनको मिल रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे इस YouTube चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। जय श्री राम।